आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से अध्याय पूरे 21 वर्ष। वाचनकर्ता अमित पांडे। ब्याह के बाद कुंवरी 18 वर्ष जीवित रहीं। भीतरी महल के केवल 2 कमरे वे अपने काम में लाती थीं। जब तक भूर सिंह जीवित रहे, बाहरी आदमियों में वे ही उनके पास आते जाते रहे, परंतु उनकी मृत्यु तो शीघ्र ही हो गई थी। उनके बाद केवल एक दासी कुंवरी की सेवा में रहती थी, वही उनकी आवश्यकताएं पूरी करती थी। आवश्यकताएं अपनी उन्होंने बहुत कम कर ली थीं। वह एक सादा बिना किनारी की सफ़ेद सूती धोती पहनती और स्वयं रांधकर एक समय हविष्यान्न खाती थीं। बाहर का कोई व्यक्ति, न तो स्त्री न पुरुष, उनसे मिल ही सकता था, न बातचीत ही कर सकता था। व्रत उपवास पूजा पाठ दान मुक्त हाथों से करती। महाराजाधिराज ने इसकी उन्हें छूट दे दी थी। कभी इत्तला करके महाराजाधिराज उनके पास जाते, कुशल क्षेम पूछकर कुंवरी उन्हें ताजीम देती और बहुत कम केवल आवश्यक बात ही उनसे करती। रोगी होने पर भी वह बड़ी कठिनाई से औषधि खाती। गंगा जल ही उनकी महौषध और रामायण उनका आश्रय था। मैंने बहुत बहुत चेष्टा की कि एक बार मिलने की इजाज़त पाऊं, पर बेकार, इजाज़त नहीं मिली, अंतिम समय में भी नहीं। महाराजाधिराज को उन्होंने अपने अंतिम क्षण में निकट बुलाया था चरण छूने के लिए। उस समय महाराज ने उनसे उनकी अंतिम इच्छा पूछी थी। इस पर कुछ नहीं कहकर चुप हो गईं। महाराज अश्रुनयन हो लौट आए। रियासतों में उनका बहुत नाम था, मान था। लोग उन्हें दुर्गा का अवतार कहते थे। उनके संबंध में जो बातें थीं, संभव असंभव प्रसिद्ध हो गई थीं। जब वे मरीं, राज्य भर ने मातम मनाया। सारे मंदिरों देवालयों में शंख घड़ियाल गूंज उठे। उस दिन राज्य के सभी ब्राह्मणों ने उपवास किया, सभी पुरुषों ने मुंडन किया और उसके बाद तो निरंतर कवियों चारणों की वाणी खुलती गई। उनकी गुण गरिमा पवित्रता दृढ़ता एकांतता की कीर्ति बढ़ बढ़ कर रियासत में और राजस्थान में फैलती ही जा रही थी। मैं बहुत रोई। अब क्या कहूँ अपना दुख। विधाता ही यह भेद जानता है कि हाड़ मांस का यह मनुष्य कैसे दुख का भार सहन कर जाता है, जीवित रहता है। बड़ी महारानी भी 10 बरस जीवित रहीं। माँ जी तो अभी भी हैं, पर उन्होंने अब रियासत को त्याग दिया है। वे वृंदावन में वास कर रही हैं। रियासत में कभी कदाच एकाध दिन रह जाती हैं। दाता की मृत्यु होने पर सुना कि कुंवरानी ने कई दिन अन्न जल ग्रहण नहीं किया। बहुत रोई। रोई तो मैं भी, पर मेरे उस रोने की भला क्या गिनती। मां दाता की मृत्यु के 1 बरस बाद यहां आई थी। उसने भी तब कुंवरी से मिलने की बहुत चेष्टा की थी, पर कुंवरी ने स्वीकार नहीं किया। माँ ने चाहा था कि वह अब यहाँ मेरे पास रहे। महाराजाधिराज भी सहमत थे, पर मुझे यह ठीक नहीं प्रतीत हुआ। समझा बुझाकर मैंने उसे ठिकाने पर ही भेज दिया। जाती बार वह छाती फाड़ कर रोई, मुझ अभागिनी को छाती से लगाकर। पर मैंने पत्थर का कलेजा करके उसे विदा कर दिया। फिर तो माँ के मुझे दर्शन हुए ही नहीं। पर जब तक वह जीवित नहीं, किसुन 50 रुपया माहवार उसे भेजता रहा। केसर अब बहुत कम मेरे पास आती। उस पर बच्चों का भार था, जैसे वही उन बच्चों की माँ थी। अब मेरे सुख दुख की एकमात्र सलाहकार तो वही थी, पर मैं बहुत कम अब उससे मिल पाती थी। अपने आप ही अपने जीवन को धकेलने की अब मैं अभ्यस्त हो गई थी।
आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से अध्याय पूरे 21 वर्ष। वाचनकर्ता अमित पांडे।